हे स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि तुम आंसर्स को कैसे क्रिएटिवली लिख सकते हो, मतलब जो तुम लिखना चाह रहे हो आंसर वो तुम यहाँ पे एक्सप्रेस कैसे कर सकते हो। मेडिकल अगर तुम्हारे एग्जाम्स में, मेडिकल एग्जाम्स में परफेक्ट वे कौन सा होना चाहिए यहाँ पे आंसर्स राइटिंग का, तो इस वीडियो को तुम्हें लास्ट तक देखना है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तुम्हें अपनी प्रायोरिटीज चेक कर लेनी है। जब तुम्हारे पास आंसर यहाँ पे क्वेश्चन पेपर होगा तो तुम्हें आंसर शीट में सिर्फ वही क्वेश्चन पहले लिखना जो तुम्हें सबसे ज्यादा आता हो या सबसे अच्छा तुम्हें आता हो, वही आंसर तुम्हें देख लेना है। तो अपनी प्रायोरिटी तुम्हें देख लेनी है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर से ही वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं, एंड अप तक जाते हैं, जबकि उनको फर्स्ट क्वेश्चन इतना अच्छे से नहीं आता और रहता। तो तुम्हें जो क्वेश्चन अच्छे से आता है वही तुम पहले अटेम्प्ट करो। तो अपनी प्रायोरिटी जो है सबसे पहले यहाँ पे कर लेनी, बिकॉज जो एग्जामिनर होगा उस पर फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होगा तो तुम्हारे मार्क्स थोड़े थोड़े यहाँ पे इंक्रीज रहने के काफी चांसेस हो जाते हैं। देन सेकंड है कि तुम्हें ब्रीफ लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। ये नहीं तुम्हें टॉपिक से आउट नहीं हो जाना है, लिखते लिखते बिल्कुल वही लिखना है जो पूछा गया है। अगर सिर्फ डेफिनेशन पूछी गई है तो सिर्फ डेफिनेशन ही लिखनी है, उसके टाइप्स बिल्कुल मेंशन नहीं करने हैं। सोर्स पूछा गया तो सिर्फ सोर्स तुमने यहाँ पे लिखना है। डायग्नोसिस पूछा तो सिर्फ डायग्नोसिस। तुम्हें यहाँ पे अनयूजुअल थिंग्स नहीं लिखनी, जो तुम्हें पूछी नहीं गई है वो तुम्हें बिल्कुल यहाँ पे मेंशन नहीं करनी है। तो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे तुम्हें लिखना है। एंड दो टाइप के क्वेश्चंस तुम लिखते हो, फर्स्ट इज शॉर्ट टाइप क्वेश्चन एंड सेकंड इज लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन। शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो बेसिक नॉलेज चेक करने के लिए होते हैं, उनमें इतना डीप नहीं जाना होता है, उसमें सुपरफिशियली ही तुम लिख दो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में। बट लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे, 15 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होंगे, उनमें तुम्हें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है, वही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो तुम्हें राइट करना है स्पेसिफिकली, तुम्हें स्पेसिफाई कर देना है, सिर्फ पर्टिकुलर टॉपिक उसी टॉपिक से रिलेटेड तुम्हें राइट करना है। स्पेसिफिक होना चाहिए तुम्हारा कंटेंट। अगर तुम्हारा कंटेंट स्पेसिफिक होगा पर्टिकुलर टॉपिक के साइड, तभी तुम्हें जाके अच्छे मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। तो स्पेसिफिक लिखो बिल्कुल एंड राइट जो आंसर। ऐसे फॉर्मेट में नहीं लिखना है आंसर, मतलब हम लिख रहे हैं स्टार्टिंग ऑफ द पेज एंड एंड ऑफ द पेज से ऐसे ही ऐसे, उसमें हमें खुद भी एक वर्ड भी समझ नहीं आएगा। तो ऐसे फॉर्मेट में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लिखना है। तुम्हें रिप्रेजेंट करने हैं अपने आंसर्स को विद द डायग्राम्स, लेबलिंग वगैरह करनी है। एंड बहुत सारे मेथड्स होते हैं लिखने के, लाइक हम एक यहाँ पे सेंटर में कुछ भी बना रहे हैं एंड उसकी ब्रांचेस निकाल निकाल के हम यहाँ पे उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, लाइक एनीथिंग लाइक ए मॉडल। अगर हम कोई मॉडल है उसका नेम सेंटर में लिख रहे हैं, उनकी ब्रांचेस हैं, उनको ब्रांचेस निकाल के हम उनके फीचर्स लिख दें। अगर तुम ऐसे करके लिखोगे तो एग्जामिनर को यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना पड़ेगा एंड वो अच्छे से तुम्हें अच्छे मार्क्स दे देगा, बिकॉज वो देख लेगा, उसका भी टाइम नहीं जाएगा यहाँ पे एंड तुम्हारा टाइम भी बच जाएगा एग्जाम के टाइम पे। तो ये तुम्हें परफेक्ट वे आना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन का डायग्राम वगैरह तुम्हें आने चाहिए। तो ये कर लेना है। एंड जो लास्ट है यहाँ पे कि तुम्हें क्वेश्चंस जितने भी हैं सारे अटेम्प्ट कर लेने हैं। कोई क्वेश्चन हम सोचते हैं कि हमने अच्छा किया बट वो एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगता एंड ऐसे करके हम सोचते हैं कि ये थोड़ा सा कम आता है या फिर ये मैं अटेम्प्ट नहीं करूँगा, तो तुम्हें अपना टाइम जो है सेव करना है मेडिकल एग्जाम के ड्यूरिंग एंड तुम्हें सारे जो आंसर्स हैं वो सारे अटेम्प्ट कर लेने हैं। बिकॉज अगर सारे यहाँ पे तुम अटेम्प्ट कर लेते हो तो कुछ मार्क्स तो स्कोर करके फिर भी तुम पासिंग मार्क्स से ज़्यादा यहाँ पे अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। एंड लास्ट जो होती है यहाँ पे तुम्हें सब कुछ लिखने के बाद तुम्हें यहाँ पे चेक कर लेना है आंसर शीट को कि तुमने प्रॉपर यहाँ पे नेमिंग की है या नहीं की है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका ए पार्ट बी पार्ट तुम्हें अच्छे से मेंशन किया है या नहीं किया है, तुम्हारा प्रॉपर मैनर है या नहीं है। तुम्हें ये नहीं करना है लाइक सपोज एक जो तुम्हारा क्वेश्चन है एंड उसके थ्री पार्ट्स हैं ए बी सी एंड तुम ए यहाँ पे लिख रहे हो एंड बी ए स्टार्टिंग में है एंड बी मिडल में है एंड सी जो है पार्ट है वो एंड में है, ऐसे करोगे तो एग्जामिनर भी कंफ्यूज होगा एंड तुम्हारे मार्क्स भी स्किप हो सकती हैं मैनी टाइम्स। तो तुम्हें क्या करना है, जो एक क्वेश्चन है उसके सभी पार्ट्स को एक साथ ही लिखना है, ऑर्गेनाइज वे में लिखना है। एक साथ लिखोगे तो तुम्हारे लिए भी इजी होगा एंड एग्जामिनर के लिए भी इजी होगा एंड तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स तुम स्कोर कर पाओगे। कैसी लगी ट्रिक्स, अच्छी लगी हो वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।